इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का हर मतलब। अहम मौजू, वैक्सीनेशन कितना सही और क्या हकीकत है, इस बात पर बात करना या न करना सही है या नहीं, कुछ दिन से सोच रहा था, लिहाजा आखिर में तय किया कि इस पर बोलना ही बेहतर होगा। हाल ही में बेलगाम शहर और अतराप में रिकॉर्ड ब्रेक कोरोना टीके लगवाए गए। ये भी उतना ही काबिले तवज्जो है कि ये टीके वजीर आजम मोदी के सालगिरह पर लगाए गए। मतलब हर बात को किस तरह से इवेंट में तब्दील करना है ये भाजपा ही अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा आप किसी और मसले पर सवाल पूछो, आपको चुप कराया जाएगा कि देखो वजीर आजम ने तो आपको कोरोना का टीका लगवाकर आपकी जान बचा ली है, वरना तो तीसरी लहर आने वाली है। क्या पता कि आपकी लाश किसी नाले में मिलेगी, क्योंकि तीसरी लहर अक्टूबर तक आने की बात कही जा रही है। खैर, भारत में सब कुछ इतना तेजी से हो रहा है कि लोगों को सोचने के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा। ये तमाम जब से भाजपा की हुकूमत आई है तब से तो और भी तेजी से बदलाव देखे जा रहे हैं। लिहाजा बात कोरोना और वैक्सीन की देखी जाए तो दुनिया में ऐसे कई मुल्क है जहां पर वैक्सीन में 2% से भी कम वैक्सीन दी गई। अब वहां के लोगों को क्या कोरोना से बहुत ज्यादा मौतें हो गई, ऐसा तो नहीं है। लिहाजा अफ्रीकन मुल्कों में तो आपको कहीं पर कोरोना के दौर में हो या इसके बाद, यानी अब तक, किसी तरह का लोगों में खौफ देखा नहीं गया। अब इसे कईयों ने साजिश करार देने की कोशिश की, लेकिन दुनिया भर में इसका इतना बड़ा हवा खड़ा किया गया है कि जिससे लोगों में डर खौफ का माहौल देखा गया। भारत में अब सब कुछ नॉर्मल होता दिखाई दे रहा है, यानी कि लोग मास्क पहनना भी अब छोड़ रहे हैं। तकरीबन शहरों में अगर आप जायजा लेंगे तो आपको कहीं पर भी मास्क नजर नहीं आ रहा। तीसरी लहर का पटाखा फुस होता नजर आ रहा, पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर मीडिया तीसरी लहर लाने पर तुल जाए तो वाला कौन रोक सकता है, और मीडिया को लाना है तो मोदी सरकार को इरादा करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर हुकूमत अगर तीसरी लहर पर जोर दे तो कह नहीं सकते कि, क्योंकि ये मेरी जाती राय है। वैसे तो कुछ न्यूज एनालिसिस की बुनियाद पर कुछ कहने की कोशिश करता रहता हूं, लिहाजा इस बात को बिल्कुल दावे की तरह ना ले। वैसे भी आजकल अक्सर लोगों का मिजाज देखा जा रहा है कि अगर आप वैक्सीन लोगे तो गोया आपने आब हयात पी ली हो, आपको मौत ही नहीं आएगी, इस तरह का बर्ताव लोगों में देखा जा रहा है। तो अगर हम वैक्सीन या कोरोना के खिलाफ कुछ कहते हैं तो मुखालिफ हो जाते हैं। कहने का मतलब, जिस तरह से शुरुआत में ही भारत में और दुनिया के दिगर मुल्कों में कोरोना वबा को पेश किया गया, इस पर भी कई इल्मी दानिशों ने एतराज किया, क्योंकि कईयों का कहना है कि आलमी सतह पर जहनों को गुलाम बनाने की साजिश कहा गया। दुनिया भर में लॉकडाउन लगाया गया, हर रोज सैकड़ों लोगों की मौत दर्ज होने लगी, एक तरह का खौफ का माहौल ना सिर्फ बेलगाम शहर बल्कि मुल्क और दुनिया में भी देखा गया। अब तो बाजार भी खुल गए, पर वैक्सीन पर उठते सवाल भी सोचने पर मजबूर करें। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, फ्रांस में बढ़ते वैक्सीनेशन के खिलाफ होते एहतजाज से खुद WHO भी हैरान है। कई डॉक्टरों ने वैक्सीन से आने वाली नस्ल के खात्मे के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में तकरीबन 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन न लगाने की बात करते हुए, यह फ्रांस में हुआ है, उन्होंने एहतजाज किया बड़े पैमाने पर, कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आखिर क्या बात है कि दुनिया में वैक्सीन के खिलाफ मुहिम तेज हो रही है। WHO के मुताबिक वैक्सीन की मुखालिफत करने वाले बहुत ज्यादा खतरा उठा रहे। वही दूसरी ओर मिकाइल एडोन, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है और फाइजर कंपनी के साथ काम कर चुके हैं, आज वैक्सीन की मुखालिफत में उतर चुके हैं। इसी तरह ऐसे कई नाम है जिन्होंने वैक्सीन को इंसानी जिस्म के लिए मुफीद ना होने की आवाज को तेज कर रहे हैं। ब्रिटिश सेहत महकमा ने ऐसे बयान पर तवज्जो ना देने की भी बात कही है, और उसे उन्हें और जो लोग भी वैक्सीन की मुखालफत कर रहे हैं वो गलत और गुमराह करने वाले बयान के तौर पर पेश किया जा रहा है। पर सवाल तो यह उठता है कि आखिर दुनिया भर में वैक्सीन पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। यहां तक खबर हासिल हुई है कि दुनिया के मीडिया पर सरमाएदारों का कब्जा, लिया था वैक्सीन की मुखालफत में खबरों को शाया न करने का हुक्म दिया गया। अवाम में डर खौफ के जरिए दुनिया पर अमीर लोगों के कब्जे की बात कही जा रही है। मुख्तलिफ बयान के जरिए अवाम की दिशाबुल करने के इल्जाम बारह लगाए जा रहे हैं। वही भारत में बिना किसी मुखालिफत के लोग हर रोज वैक्सीन लगा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ आवाजें उठी, लेकिन अवाम के अंदर कोरोना का डर इतना बैठा हुआ है कि जहां कहीं भी वैक्सीन के टीके हासिल हो रहे हैं खुद ही अवाम जाकर लगवा रही है। अब तो हर समाज के लोग वैक्सीन के टीके लगवाने में
पेश पेश रहे। मुसलमानों के बारे में कहा जाता था कि वैक्सीन लगवाने में ये कौम काफी पीछे है, लेकिन आजकल मुसलमानों की जानिब से भी बहुत ज्यादा पेशकदमी करते देखा जा रहा है और मुस्लिम मोहल्लों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण भी किया जा रहा है। बेलगाम शहर तो मुल्क में टीकाकरण में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बेलगाम शहर में खासकर मुस्लिम समाज में कोरोना को लेकर बहुत हद तक बेदारी देखी जा रही है, जबकि दीगर समाजों में मेले इजलास मुनक्कद किए जा रहे हैं, पर मस्जिदों में बड़े अरसे तक सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, यहाँ तक ईद में भी लोगों ने एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान को मुसाफा करना भी पसंद नहीं किया। जबकि हदीस भी बारहा कही जाती है कि एक मोमिन अगर दूसरे मोमिन से मुसाफा कर हाथ अलग करता है तो उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। खैर, ईद के मौके पर एक दूसरों के घरों पर जाकर मुबारकबाद दी जाती थी, लेकिन कहीं कोरोना ना हो जाए और कोरोना से कहीं हम मर ना जाए, इस डर की वजह से रिश्तेदारों के घरों तक भी हमने आना जाना छोड़ दिया। कोरोना का डर इस इंतहा तक देखा गया कि किसी तरह की इज्तमाइयत से तमाम माशरा महरूम रहे। मतलब किस हद तक कोरोना की संजीदगी इस कौम में देखी गई। जाहिर है कोरोना टीकाकरण मुहिम में भी मुस्लिम माशरा आगे रहा। शहर के तकरीबन इलाकों में टीकाकरण की मुहिम आज भी जारी है। टीका लेने के बाद कुछ हद तक लोग इतना इत्मीनान महसूस कर रहे हैं कि अब मौत का फरिश्ता आकर भी इन्हें कुछ छू नहीं सकता। खैर, तीसरी लहर तो फिलहाल गायब हो चुकी है। हर तरफ चर्चा टीकों की हो रही है, तुमने कितने डोज लिए, या आपका पहला डोज है या दूसरा डोज, इस तरह सुनने में आ रहा है। इसके बाद बूस्टर भी दिया जाएगा, इस तरह की बात भी कही जा रही है। स्पुटनिक लगवाने वालों से एक ही डोज काफी है। अब देखना यह है कि कितने लोग नए टीकों का इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई नया टीका आता है तो उसे भी लगवा लिया जाए। अब तो बच्चों के लिए भी टीके तैयार हो चुके हैं, आने वाले साल में स्कूलों में ये टीके जल्द लगवाने वाले हैं। लिहाजा दुनिया भर में वैक्सीन पर ऐतराज कर रहे हो, लेकिन भारत में सब कुछ ठीक है। आप जो भी नया टीका लाओगे इसके लिए पूरी आवाम तैयार है। इन्हें महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, बंद होती फैक्ट्रियां, बंद होते कारोबार पर सवाल पूछने वालों को यही जवाब दिया जा रहा है कि मोदी सरकार ने भारत में तकरीबन टीके देकर इस देश की आवाम की जान बचाई है और तुझे महंगाई की लगी हुई है। खैर, कोरोना मर्ज हो या वैक्सीन टीका, विदेशों में भले ही मुखालिफत हो रही हो, पर मौजूदा दौर में जिंदगी जीने की तमन्ना लोगों में किस हद तक है इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। भले ही हम कयामत, आखिरत, जिंदगी, मौत, बीमारी, शिफा का मालिक तो महज अल्लाह होने के बाद जबानी जितनी भी कहो, पर सच्चाई यही है कि दुनिया की मोहब्बत ने इस कदर घर कर लिया है कि हम मौत से बहुत हद तक डरने लगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।